गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से AS मैथ्स अकेडमी में। दोस्तों आज आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट रस। दोस्तों रस हमेशा किसी सभी एग्जाम में मैक्सिमम एक क्वेश्चन रस का आता ही है, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं रस की। तो दोस्तों देख लेते हैं पहले रस की परिभाषा क्या है। दोस्तों रस आपको सभी को वैसे पता होते हैं, हमने सभी ने बचपन में पढ़े हुए हैं कि रस क्या है, लेकिन फिर भी हमारे लिए हर परीक्षा की तैयारी करने के लिए रस पढ़ना पड़ता है, अलंकार पढ़ना पड़ता है, यानी सभी पढ़ने पड़ते हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए मैंने एक ऐसी ट्रिक बनाई हुई है कि दोस्तों आपको कभी बार बार ना पढ़ना पड़े, यदि आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं रस, और पहले देख लें हम रस की परिभाषा क्या है। तो दोस्तों रस की परिभाषा यानी किसी वाक्य को सुनकर या किसी दृश्य को देखकर जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही हम रस कहते हैं। दोस्तों कहने का मतलब है यदि हम किसी वस्तु को देखते हैं या किसी चीज़ को दृश्य को देख लेते हैं, किसी चुटकुले को सुन लेते हैं या किसी कहानी को सुनते हैं, उसको सुनने के बाद या उसको देखने के बाद जो खुशी महसूस करते हैं, हम जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। दोस्तों जैसे कि सपोजेड आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में कहीं कोई सॉन्ग प्रतियोगिता हो रही हो और किसी ने वो सॉन्ग अच्छा गाया, किसी ने गाना अच्छा गाया कि आपको आनंद की प्राप्ति हुई, मतलब वहाँ पर आपको रस यानी आनंद की प्राप्ति हो गई, तो वहाँ पे आपको रस की परिभाषा मिल गई दोस्तों कि आपको सुनकर आनंद की अनुभूति हुई ना कि देखकर। दोस्तों अब देख लेते हैं रस के प्रकार। रस के प्रकार के देखने के पहले मैं आपको इसकी ट्रिक बता दूं कि इसकी ट्रिक एक्चुअल में मैंने क्या बनाई। दोस्तों रस की ट्रिक है रौद्र भयानक शांत रस, करुण हास्य श्रृंगार, अद्भुत वीर विवत्स रस, नौ रस के श्रृंगार। ये दोस्तों इसकी ट्रिक है। और आपको पता है कि रस मुख्यतः नौ प्रकार के होते हैं, लेकिन दसवां रस वात्सल्य रस जोड़ दिया गया है, तो मैंने ये इधर पे लिख दिया गया कि दसवां रस वात्सल्य रस यानी रौद्र भयानक। एक रौद्र भयानक शांत रस, करुण हास्य श्रृंगार, अद्भुत वीर विवत्स रस, नौ रस के श्रृंगार। देखो दोस्त, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और दसवां विवत्स रस हो गए। तो ये हो गए आपको दोस्तों रस की ट्रिक, ऐसे आप रस की ट्रिक को याद करेंगे। अब देख लेते हैं दोस्त जो रस के तत्व होते हैं, और आगे मैं रस के स्थाई भाव भी बताऊंगा। रस के तत्व स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब ये देख लेते हैं संचारी भाव, इन सभी को डिस्क्रिप्शन कौन का क्या है। स्थाई भाव यानी जो भाव हमारे अंदर जन्म से ही होते हैं। जैसे जब एक बच्चा छोटा होता है और उसके मन में यदि आप देखते हो, उसको देखते हो, यदि आप डांट देते हो तो वह रोने लगता है, यदि आप उसको खिलाते हो तो वह हंसने लगता है। इसका मतलब है कि उसको जन्म से ही वो भाव उसके अंदर है कि आप जैसा करोगे वो वैसा उसकी प्रतिक्रिया देने लगता है। अब बात आती दोस्तों विभाव की, तो स्थाई भाव को जागृत या उद्दीपित करने वाला तत्व ही विभाव कहलाता है। जैसे यानी कहने का मतलब स्थाई भाव को जागृत, यानी जो स्थाई भाव को जागृत कर देता है, यानी किसी भी स्थाई भाव आप कोई जा रहा है और उसके प्रति एक भाव जागृत कर दे, उसको कहते हैं विभाव। जैसे कि इसका प्रकार होते हैं विभाव के आलम्बन, जिसके कारण स्थाई भाव उत्पन्न होता है। जैसे नायक या नायिका, जब कोई लड़की या लड़का कहीं मार्केट में जाते हैं, कहीं रास्ते में जाते हैं और उनको एक दूसरे को देखकर उनके मन में जो भाव आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। और ये आलम्बन है, ये विभाव का पहला प्रकार है। अब इसका दूसरा प्रकार है दोस्तों उद्दीपन। उद्दीपन यानी स्थाई भाव को तीव्र करने वाला, हमारे मन में जो जैसे लड़की को या लड़के को एक दूसरे को देख के मन में जो भाव उत्पन्न हुआ था उसको तीव्र कर देना। जैसे कोई लड़की जा रही और वो बहुत ही सुंदर है तो लड़के के मन में एक ऐसा भाव आ जाता है, विभिन्न प्रकार के भाव आने लगते कि बड़ी सुंदर है, ये मेरी सपनों की रानी है, ये मेरी ड्रीम गर्ल है, ऐसे लोग सोचने लगते, तो इसको बोलते हैं हम स्थाई भाव। अब इसका दूसरा प्रकार है आश्रय, यानी जिस व्यक्ति के हृदय में भाव उत्पन्न हो उसे हम आश्रय कहते हैं। जैसे नायक को नायिका के प्रति या नायिका को नायक के प्रति, उसको कहते हैं आश्रय। अब देख लेते हैं दोस्त, जैसे कि मन के भाव को अनुभव, चौथा है तीसरा, तीसरा अनुभव यानी मन के भाव को व्यक्त करने वाली
शारीरिक चेष्टाओं को कहते हैं अनुभव, यानी मन के भाव को, यानी मन में जो विभिन्न प्रकार के भाव आने लगते हैं उसको हम अनुभव कहते हैं। वो अनुभव देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कायिक और एक होता है सात्विक। कायिक का मतलब होता है जानबूझकर की गई हरकत, जैसे कि अनुभव में कोई भी हमने, जैसे सपोज कर कोई लड़का जा रहा है और कोई लड़की जा रही है और लड़के ने लड़की को देखकर आंख मार दी या लड़की को देखकर उसने सीटी बजा दी, तो वो होता है जान पूछ के की गई हरकत, तो उसको बोलते हैं हम कायिक। अब दूसरा आता है दोस्त सात्विक, यानी अपने आप होने वाली हरकतें, जैसे जब कोई लड़का लड़की जाते हैं और यदि लड़की को देखकर लड़की के मन में कुछ अपने आप डरा लगने लगता है या कांपने लगा या सांसें तेज चलने लगी, है ना, उसको बोलते हैं हम सात्विक। और दोस्तों इसके बारे में आप लोगों को ज़्यादा अनुभव होगा, वैसे थोड़ा सा मेरे को इस चीज़ों का एक्सपीरियंस कम है, तो जो लिख रहा हूँ मैं उसको ही समझा रहा हूँ, आप लोग इसको ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, तो मैं आपकी भावनाओं को भी समझ रहा हूँ दोस्तों कि आप अच्छे से समझेंगे इसको। अब दोस्तों इसका नेक्स्ट है फोर्थ नंबर का डी, यानी संचाई भाव। जो भाव कम समय के लिए आते हैं और स्थायी भाव को पुष्ट करके गायब हो जाते हैं उसे हम संचाई भाव कहते हैं, यानी जो भाव आया छोटे से समय के लिए, जैसे चिंता, शंका, गर्व या आलस, थोड़े से समय के लिए आता है और स्थायी भाव को पुष्ट करके गायब हो जाता है, यानी चला जाता है, उसे कहते हैं संचाई भाव। अब दोस्त देख लेते हैं स्थायी भाव, यानी रस के कौन कौन से स्थायी भाव हैं वो आपके सामने हैं। रस के स्थायी भाव दोस्तों, जैसे ए स्थायी भाव पहले और ए उसके रस, जैसे श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, और हास का हास, करुण का शोक, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय, विवत्स का जुगुप्सा, और अद्भुत का विस्मय, और शांत का निर्वेद। दोस्तों बिल्कुल आसान से हैं ये कि आपको पता है, तो दोस्तों